आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा पौष्टिक लड्डू जिसे आप रोज एक खाओगे तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और आपके जोड़ों का दर्द जल्द ही दूर हो जाएगा। आपने ड्राई फ्रूट के लड्डू तो बहुत खाए होंगे, लेकिन मैंने इन लड्डुओं में ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो आपको पौष्टिकता तो देंगे साथ ही ताकत भी देंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है शालिनी फूड पार्ट में। लड्डू बनाने के लिए हमें ये सामग्री चाहिए। ये मैंने एक कटोरी के नाप के अकॉर्डिंग ले रखी है और चम्मच के नाप से ले रखी है। आप ये सभी सामग्री इस लिस्ट में देख सकते हैं और जो भी सामान आपको चाहिए आप पहले से ही आप उनको मंगा सकते हैं। चलिए चलते हैं, अब लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें मैंने कुछ सीड भी लिए हुए हैं, जैसे चिया सीड, अलसी सीड या पम्पकिन के सीड, जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं। सबसे पहले फ्राइंग पैन में हम ये कोकोनट पाउडर लेंगे। मैंने एक कटोरी कोकोनट पाउडर लिया है, इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा लाल नहीं होना चाहिए, ना ही एकदम से सफ़ेद रहना चाहिए, हल्का सा सुनहरा हो जाएगा। अब हम एक चम्मच घी लेंगे, इसमें हम आधी कटोरी गोंद लेंगे। ये गोंद हम अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे और ये फूल के एकदम से डबल हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से, जिस तरह से पॉपकॉर्न हो जाते हैं, इस तरह से फूल जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इसको पीसने के लिए हम मिक्सी का यूज कर सकते हैं या फिर हाथ से भी। अब हम सीड्स लेते हैं। ये मैंने इसमें फ्लैक्स सीड लिए हैं, इसे अलसी के बीज भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं। मैं इसी के बारे में बता रही थी, जो कि हड्डियों को प्रोटेक्ट करते हैं और वेजिटेरियन लोगों के लिए एक वरदान की तरह होते हैं। ये चिया सीड हैं, ये भी इक्वल ही ताकतवर होते हैं। हम इन्हें भी अच्छी तरह से इसमें भून लेंगे। हम दोनों को अलग अलग भी भून सकते हैं, चाहे तो एक साथ मिलाकर भी भून सकते हैं। अब मैंने इसमें ये पॉपी सीड लिए हैं। पॉपी सीड होता है पोस्ता दाना। पोस्ता दाना आप इसे भी भून लेते हैं। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे हल्का सुनहरा हमें भूनना है। मैंने ये इसमें ये सनफ्लावर और पम्पकिन सीड डाले हैं, इनको भी हम एक साथ ही भून लेंगे। और अब हम इसे वाटरमेलन सीड भी मिक्स कर देंगे। इन्हें हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक भूनना है। इसी तरह हम लगातार चलाते रहेंगे। अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये लग जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें लगातार चलाना है। अब हम इसमें कैसू नट डालेंगे। ये कैसू नट मैंने पहले से ही भून के रखे हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें साथ भी भून सकते हैं। ये आलमंड है, आलमंड भी मैंने पहले से ही भून कर रखे हुए हैं। इन्हें हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें कुछ चिरौंजी और पिस्ता मिला दूंगी। आप एक एक चम्मच के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसे भूनने के बाद हम एक साइड ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये हमारे ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी के एक जार में डालकर पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे पाउडर भी बना सकते हो, नहीं तो आप इसे हल्का दरदरा ही पीसिए, जिसे खाने में भी अच्छा लगता है। हम एक पैन में एक चम्मच घी ले लेंगे। ये देखिए मैंने एक चम्मच घी ले लिया है। अब इसे हल्का सा मेल्ट होने देंगे। इसे हल्का सा मेल्ट होने के बाद हम इसमें किशमिश डाल देंगे। ये मैंने किशमिश डाल दी हैं। इन सभी की क्वांटिटी मैंने पहले जो लिस्ट दी थी उसमें मेंशन की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसे हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद ये हल्की हल्की फूल जाती हैं और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है ना, और ये फूल जाएंगी धीरे धीरे, ये फूल रही हैं। ये देखिए किशमिश को निकालने के बाद उसका जो ये घी बच गया है, इसी घी को हम उपयोग में लाएंगे। इसी घी में हम ये जैगरी यानी कि गुड़ हम इसमें डालेंगे। इसमें हम एक एक पीस करके गुड़ डालेंगे और इसका एक सिरप बना लेंगे। इसका सिरप बन जाएगा तो उसको हम लड्डू बनाने के यूज में लाएंगे। इस तरह से टाइट साबुत गुड़ हम लड्डू बनाने में यूज में नहीं ले सकते, इसलिए हम इसके लिए एक सिरप तैयार करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे कि तले में लग ना जाए
और ये तले में लग जाएगा तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा, ये खाने में कड़वा लगेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे कि यह तले में लगे ना। ये देखिए इस तरह से इसको चलाने के बाद इसे थोड़ी देर के हम छोड़ देंगे और ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए मेल्ट हो चुका है और ये हमारा सिरप बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इस सिरप को यूज में लाएंगे। इस गुड़ की हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है जिससे कि ये हाथों पर अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके लिए हमें इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से ये एक तार की चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी और इसमें से तार खींचने लगते हैं, तभी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे गुड़ बनकर रेडी हो गया है, हमारा सिरप बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसे बंद कर देंगे, इसकी गैस हमने ऑफ कर दी है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए एक साइड रख दिया है। अब हमने जो गोंद अपना भून के रख लिया था, ये बिल्कुल देखो साबूदाने जैसा दिख रहा है, इसे हम एक कटोरी लेके उसके बैक साइड से तोड़ लेंगे, ये सभी टूट जाएगा। और अब हम अपने सिरप में एक एक करके सारी सामग्रियां डाल लेंगे और इसे लड्डू तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमने जो मिक्सर ग्राइंडर में पीसा था, जो इंग्रेडिएंट्स पीसे थे वो हैं, ये हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे, ये हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें पिसी हुई इलायची डाल देंगे, एक चम्मच इलायची हमने इसमें डाल दी है। ये देखिए इसे हम चीनी के साथ पीस लें तो ये बहुत ही बारीक पाउडर बनकर रेडी हो जाता है। अब हमने इसे डाल दिया है, ये देखिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स डालने जा रही हूँ, जैसे कि दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च पाउडर। ये मैंने एक एक चम्मच की क्वांटिटी में लिए हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, साथ ही हमारे हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही कारगर हैं। हमारा मिक्सर बनकर रेडी है। अब इसके साथ ही मैं इसमें आटा मिक्स कर दूंगी, गेहूं का आटा यानी कि बीट फ्लोर। ये मैंने पहले से ही बुनकर रखा हुआ है, अब हम इसे इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें मिक्स करने के बाद हमारा ये मिक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए हम एक मुट्ठी लड्डू का ये मिक्सचर लेकर इसे हाथ से इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से गोल गोल इन आउट ऐसे दबाते जाएंगे और धीरे धीरे हमारे लड्डू बनते जाएंगे। और इसे राउंड शेप में घुमाते जाना है, रोटेट करते आना है हाथ के अंदर ही। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए, इस तरह से मुट्ठी भर आटा लेने के बाद, मिक्सचर लेने के बाद हम इसे गोल गोल घुमाते हैं। आप चाहें तो एक हाथ से, चाहें तो दोनों हाथ से, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप दोनों हाथों से भी लड्डू बना सकते हैं। इस तरह से आप एक एक करके अपने सारे लड्डू बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमें लड्डू तैयार करने हैं। लड्डू में हमने बहुत कम घी डाला है तो हमें गरम गरम मिक्सचर के साथ ही लड्डू तैयार कर लेने हैं, ठंडे होने पर लड्डू बनाना मुश्किल होगा। ये देखिए हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, एकदम अच्छे स्वादिष्ट और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप एक लड्डू रोज़ या तो दूध के साथ या फिर बिना दूध के, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप डेली एक लड्डू खा सकते हैं। लड्डू ये बच्चे बड़े दोनों के लिए हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। एक लड्डू आप अगर रोज़ खाते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी और आपके जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा, साथ ही साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। तो आपको मेरे लड्डू अच्छे लगे हों तो आप मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट करके बताना आपको लड्डू कैसे लगे और आपने भी ट्राई किए या नहीं।